दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी मूवीज़ में से एक है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस मूवी से आमिर खान और अमिताभ बच्चन के ऐसे लुक सामने से वायरल हुए हैं जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पांच वजह जिस वजह से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनेगी बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली को पीछे छोड़ते हुए। पहली वजह है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट। जी हाँ दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट 250 करोड़ रुपये रखा गया है। इस मूवी के काम के लिए इतने पैसे बहाए जा रहे हैं जितना पहले कभी नहीं बहाया गया। वहीं अमिताभ बच्चन और आमिर खान को एक साथ देखने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस वजह से भी इस मूवी के सेट्स पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। वहीं इसके सेट को नए तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि सब कुछ रियलिस्टिक लगे। दूसरी वजह है हॉलीवुड के एक्शन सीन्स। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड के एक्शन सीन्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं। वहीं हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स को इस मूवी से जोड़ा गया है ताकि इसके एक्शन सीन्स को बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाया जाए। बाहुबली के एक्शन सीन्स देखने के बाद एक लेवल ऊपर हो चुका है। अब उस लेवल को पार करने के लिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के एक्शन सीन्स में जी तोड़ मेहनत की जा रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी क्लासी रखी गई है। वहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रेट्रो लुक में कहानी आने वाली है जो कि पुराने ज़माने के ठग्स को दिखाएगी। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इसके अंदर लोकेशन किस तरीके की यूज़ की है और किस तरीके का सेट यूज़ किया है। चौथा और सबसे मुख्य कारण है देशभक्ति। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी देशभक्ति का तड़का लेकर आने वाली है इस दिवाली पर, क्योंकि इस मूवी में आप देखेंगे कि किस तरीके से आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ अंग्रेज़ों से लड़ते हुए नज़र आने वाले हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहानी आधारित होने वाली है अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की लड़ाई के ऊपर आधारित। जी हाँ दोस्तों, ये उस ज़माने की कहानी है जब अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए आए थे और किस तरीके से भारत के ठग्स, जो कि मेन रूप से तो लुटेरे थे लेकिन अपने देश से बहुत प्यार करते थे, अपने देश को छुड़ाने के लिए अंग्रेज़ों से किस तरीके से बगावत करते हैं। अब इसका पांचवा और सबसे बड़ा कारण है आमिर खान और अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार साथ किसी मूवी के अंदर नज़र आने वाले हैं। इससे पहले इन दोनों को कभी एक साथ नहीं देखा गया। आमिर खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ देखने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये है वो मुख्य कारण जिस वजह से बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। 250 करोड़ के बजट वाली ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये मूवी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलने वाली है सबसे पहले।